so one of the most important and common uh, special case of motions uh, is with the constant accelerations uh, that we call uh, free fall. free fall hamare pass, uh, constant accelerations, ka saath motions ki ek, uh, type hai ya ek, ya ek importance or uh, uh, special ek khas, uh, case hai. Matlab, एक बहुत ही खास और आम सी एग्जाम्पल है जिसमें एक बॉडी मोशंस करती है कास्ट के साथ और उसको हम कहते हैं फ्री फॉल कि जब बॉडी फ्रीली ऊपर से नीचे की तरफ वो फॉल करती है सो बी रिमेम्बर ऑब्जेक्ट फॉलिंग ड्यू टू ग्रेविटी द सर्फेस ऑफ द ऑल द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस Uh, approximately the same accelerations are due to uh, gravity। अगर हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करें एयर रेजिस्टेंस को नजरअंदाज करें तो तमाम के तमाम जो बॉडीज है वो सतह जमीन तक एक ही एक्सेलरेशन के साथ वो पहुंचती है और इसी एक्सेलरेशन को हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के जमीन की जो कश शक्ल है ये एक्सेलरेशन उसी की वजह से है और हम उसको कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या हम उसको सैम्पली कहते हैं ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मतलब इसकी ये जो एक्सेलरेशन है इसकी एक कास्ट एंड एक फिक्स वैल्यू होती है एक ख़ास या मखसूस जगह तक मतलब सतह ज़मीन पर इसकी महसूस वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो कि उस पर्टिकुलर सरफेस तक या पर्टिकुलर लोकेशन तक वो कांस्टेंट रहती है सो वट एक्चुअली वी डू वी यूज दन डायमेंशन कॉन्सटेंट एक्सलेशन कि जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास वन डायमेंशन में कांस्टेंट एक्सलेशन के लिए uh, मुख्तलिफक्स है जिसको हम uh, इस्तेमाल करके uh, जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोलूशन फाइंड आउट करते हैं सो so, वो वही इक्वेशंस हम यहाँ पर भी यूटिलाइज करेंगे फ्री फॉलिंग बॉडी के लिए लेकिन यहाँ पर वो जो कांस्टेंट एक्सेलेशन है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं इसको हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंडीशन में जी से रिप्लेस करेंगे बिकॉज द ग्रेविटेशन एक्सलेशन वी नॉर्मली डिनोटेड बाय जी स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट जी और इसकी हास uh, वैल्यू होती है सो जस्ट लाइक वी से दैट

एक हाथ में बॉल या गेंद को पकड़े दूसरे हाथ में पेपर पीसिस को पकड़े और आप इसको क्या करें एक ही हाइट से नीचे गिराएं तो आम में में यह आता है कि बॉल पहले ज़मीन ज़मीन गिरेगा और पेपर पीसिस को जमीन तक आने में वो टाइम लगेगा मतलब ये आम मुशाह है लेकिन अगर आप उसको क्लियरली ऑब्जर्व करें जो फैक्टर्स जो इसी में इन्वॉल्व है कि बाल क्यों नीचे तेजी की तरफ आता है तेजी के साथ जमीन की तरफ आता है और पेपर uh, पीसिस क्यों टाइम लेते हैं तो आपको आसानी uh, के साथ समझ आ जाएगा कि uh, मतलब एक चीज जो इस पे असरानंदाज होती है uh, जो पेपर पीसिस है उनकी स्पीड पे या उनकी एक्सलरेशन पे जो असरअंदाज होती है वो है एयर रेजिस्टेंस कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो तमाम जो बॉडीज है उन पे रिएक्ट करती है सो इन द एबसेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस कि अगर इस एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करें एयर रेजिस्टेंस को मतलब हम निगलेक्ट करें हम कंट्रोल सो ऑल ऑब्जेक्ट फॉल विद द सेम एक्सलेश यहाँ पर देखें इस जो दूसरी केस है यहाँ पर हमने एयर रेजिस्टेंस को कंट्रोल किया है सो एयर रेजिस्टेंस को अगर हम कंट्रोल करें या एयर रेजिस्टेंस को हम निगलेक्ट विल फॉल विदेशेंस लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि थोड़ा सा एक ट्रेकी जॉब है आ, कि हमने क्या करना है एक ऐसा इन्वामेंट प्रोड्यूस करना जहाँ पर एयर रेजिस्टेंस वो क्या हो वो निगलेजेबल हो या वो बिल्कुल ना होने के बराबर हो तो इसी कंडीशन में आप ये देखोगे आ, कि कागज़ के पीसीस और ये जो बॉल है ये एक ही एक्सरेशन के साथ ज़मीन पर गिरेगा जिस तरह के ये दूसरी एग्जाम्पल में आपके सामने है और यही एक्सपेरिमेंट एक खास एनवायरमेंट में परफॉर्म किया गया कि दो चीजें ली गई एक रॉक और दूसरी फीदर और उसको ड्राप किया गया आ, मतलब एक ही टाइम पे उसको ड्राप किया गया आ, मतलब ए, पर्टिकुलर हाइट से एक हमारे पास जो बोटल्स है या ट्यूब है दैट इज बीन फिल्ड विद एयर कि इसमें हवा भरी हुई थी एक ट्यूब में हवा भर दिया गया था और दूसरी में मतलब वैक्यूम है या इवकुवेटेड है कि दूसरे के अंदर कोई हवा नहीं है तो अगर आ, मतलब इस वाले को आप देखें जिसमें हवा भरी हुई थी तो आपने आप इसको देख सकते हैं कि जो रॉक है वो तेज़ी के साथ यहाँ पर आके नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन जो फीदर है दैट इज़ टेकिंग सम टाइम क्योंकि यहाँ पर हवा है तो ड्यू टू दैट एयर इज फेसिंग द एयर रेजिस्टेंस सो दिस व्हाई इट्स विल टेक द टाइम टू रीच टू द सर्फेस ठीक है सर्फेस तक आने में इसको टाइम लग रहा है

the feather and the rock they will reach the surface with the same velocity so what actually it mean is mean that ke tamam ke tamam jo bodies hai wo ek hi acceleration ke sath zameen ki taraf wo move karti hai constant acceleration ke sath zameen ki taraf move karti hai जो visible difference जो हम देखते हैं जो जाहिर difference हम देखते हैं वो air resistance और बाकी parameters की वजह से वो होती है अगर हम उसको overcome कर सके और या हम नजरअंदाज कर सके या इसको हम कर सके, तो हम ये देखेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तमाम बॉडीज पे एक ही तरह से वो रिएक्ट कर रही है ठीक है और इस एक्सेलरेशन को हम कहते हैं और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये भी हमें पता है अर्थ एंड द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस

कि चाहे कितनी ही ऊंचाई से हम ऑब्जेक्ट को नीचे फेंक दें चाहे वो ऑब्जेक्ट कितने ही स्मॉल हो लाइट वेटेड हो मतलब उसका हल्का वजन हो हल्का वेट हो हल्का मास हो या भारी हो आ, तो वो दोनों के दोनों आ, एक ही एक्सेलेशन के साथ ज़मीन पर आ गिरेगी और वो जो एक्सेलेशन है उसको हम कहते हैं एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसको हम बुट करते हैं ए इज इक्वल टू जी मतलब जो आम कांस्टेंट एक्सलेशन है उसको हम कहते हैं एक्सेशन ए

और वो है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड जो एक्सपेरिमेंट हमने आ, आ, फिल ट्यूब में या ट्यूब में इसको, इसको फैले वो साबित किया था गलेलियो की जो टाइम है जिंदगी का वो है पंद्रह सौ चौसठ से सोलह सौ बयालीस तक और इसी दौरान में गलेलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि ऑब्जेक्ट ऑफ टावर आप पीसा, के जो फीसा की टावर है, उसने के मुख्तल को नीचे गिराया था और सबसे पहले उसने ये मुशाह किया था नतीजा आज किया था कि तमाम के तमाम बाड़ीज चाहे वो बारी हो या हल्के हो वो एक एक्सेलरेशन के साथ जमीन सतह जमीन से वो टकराती है और इसके उसने नाम दिया एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी और उसने कहा था कि इसकी जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है एट द दर्पिस ऑफ द अर्थ दैट इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ये डिपेंड करती है ऑन द लोकेशन डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑन अर्थ लैटी एंड एल्टीट्यूड एल्टीट्यूडीच्यूड और एल्टीट्यूड पे ये डिपेंड करती है मतलब यहाँ पर इस टेबल में आप देखें तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ लोकेशन है ये एलिशन दी गई है और मुख्तिक एलिशन पे वेरियस लोकेशंस पे आप देखें ये हमारे पास क्या है सिटीज है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के न्यूयॉर्क है सैन फ्रांसिस्को है डेनवर है और वो बाकी सारे बहुत सारे पोजिशन है तो यहाँ पर देखें एलिशन को के मुख्तिक एलिशन पे हमारे पास जी की वैल्यू है यहाँ पर देखें जीरो एलिवेशन पे नाइन पॉइंट एट जीरो थ्री है हंड्रेड पे हमारे पास नाइन पॉइंट एट जीरो जीरो अगर uh, मतलब है वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फिफ्टी मतलब मीटर्स में हम ये ले रहे हैं तो देखो जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है नाइन पॉइंट सेवन नाइन सिक्स आ रही है सिमिलरली अगर हम एलिवेशन को इंक्रीज करें तो यहाँ पर देखें कि ऑबियसली वी आर फाइनिंग डिफरेंस एट द वैल्यू ऑफ जी और यहाँ पर अगर इक्वेटर पर हम पहुँचे तो इक्वेटर पर जीरो एलिवेशन पे हमारे पास नाइन पॉइंट सेवन एट ज़ीरो जी की वैल्यू है इसी तरह नॉर्थ पोल पे जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो है नाइन पॉइंट एट थ्री टू वो वैल्यू uh, मतलब हमारे पास है ये जी की वैल्यू है मुख्तलिशंस पे और पे अच्छा टू ट्रीट फॉलिंग ऑब्जेक्ट वी यूज सेव ऑलरेडी बट वी है फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए हम वही सेम इक्वेशन यूटिलाइज करेंगे जो कि हम वन डायमेंशन कैनामेटिक में इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए उसमें हम थोड़ा सा चेंज वो करेंगे वो चेंज क्या होगा कि हम ए uh, को जी से रिप्लेस करेंगे आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस कि वहाँ पर बजाय ए के इक्वेशन में हम जी पुट करेंगे और जी की हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर But in in the equations, it uh, it it. take, uh, it could have a a positive or a negative sign in front of it. So उसमे नॉर्मली पॉजिटिव या नेगेटिव साइन के साथ पोट करते थे कि इसकी क्या मीनिंग है और यहाँ पर अगर हम जी के साथ इस तरफ पॉजिटिव नेगेटिव लगाएंगे तो इसका क्या मतलब होगा वो बाद में हम डिस्कस करेंगे सो यूजुअली वी कंसीडर वर्टिकल टू बी डायरेक्शंस ठीक है? जब हम वर्टिकली मोशन करते हैं uh, मतलब अपवर्ड डायरेक्शंस में तो नॉर्मल कंडीशन में हम कहते हैं इसको हम डिनोट करते हैं वाई से और जब एक्स uh, वो करते हैं तो हम उसको रिप्लेस करते हैं एक्स से सो so, uh,

तो यहाँ पर भी हम वही मामला है कि वाई इज इक्वल टू जीरो पर हम not से मुराद ले रहे हैं origin या सतह जमीन। तो ये हम चेंजेस करते हैं अब यहाँ पर थोड़ी सी एक बात आपने याद रखनी है कि whenever we write the symbol G, जब हम symbol G use करते हैं, तो इट ऑलवेज मीन पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि it, uh, it never क्या मीनिंग है और कम इसको किस तनाजुर में लेते हैं वो यहाँ पर इसीवेशन में हम uh, इसको डिस्कस करेंगे सो साइन ऑफ जी एंड वन डायमेंशन इक्वेश मैग्नि इज इक्वल टू नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्टिव सो इसका मतलब क्या है बट एक्सलेशन इज अ वैक्टर क्वान्टिटी वन डायमेंशन है विद टू पॉसिबल डायरेक्शन अब मतलब है जिस तरह हमने एक्सलेशन के बारे में डिस्कस किया था कि एक्सलरेशन हमारे पास क्या है एक्सेलेशन की जो मैग्नी प्रॉपर यूनिट वो हमेशा पॉजिटिव होती है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती लेकिन अगर आपको याद हो हमने डिस्कस किया था कि एक्सेलरेशन हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि इसकी मैग्नीट्यूड के साथ-साथ इसकी डायरेक्शंस भी होती है ठीक है कि दो पॉसिबल डायरेक्शंस उसकी पॉसिबल है मतलब एक एक डायरेक्शन में टुवर्ड ईस्ट दूसरा टुवर्ड वेस्ट नॉर्थ तो दूसरा टुवर्ड साउथ मतलब दो डायरेक्शन इसके पॉसिबल पा, है मतलब एक डायरेक्शन है आसानी के, के साथ हम इसको आ, कह सकते हैं डायरेक्शन दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अगर एक डायरेक्शन डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस है ठीक है तो आसानी तो के साथ हम इसको पॉजिटिव इज नेगेटिव आर बैटरी एंड टू अस ठीक है मतलब ये हम पे मुनसर है कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे ड्रा करते हैं और किस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं किस को uh, मतलब हम नेगेटिव लेते हैं मतलब इट्स अप अप टू टू यू इट्स अस कि हमने इसको कैसे यूटिलाइज करना है सो so, अः uh, अब यहाँ पर हमने ये चीज और भी देखी है कि जब हम ऊंचाई को लेते हैं फॉर आब तो उसी के लिए हम y को क्या कहते हैं y को पॉजिटिव लेते हैं मतलब जब बाड़ी ऊपर की तरफ जा रही है जमीन से ऊपर की तरफ जा रही है तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या करेंगे कि हम y की वैल्यू आ, वो क्या करेंगे वो पॉजिटिव लेंगे और जब बाड़ी नीचे की तरफ आ रही हो डाउन तो उसी कंडीशन में हम वाई की वैल्यू को नेगेटिव लेंगे मतलब जमीन को हम ऑरिजिन कंसिडर करेंगे तो जमीन से ऊपर की तरफ जब बाड़ी जाएगी तो ये डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेंगे लेकिन जब पॉजिटिव मतलब है कि वो एक डायरेक्शन में जा रही है अब जब वापस वो जमीन की तरफ आएगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे क्योंकि हम यहाँ से नेगेटिव से मुराद ये है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है नेगेटिव से मुराद ये नहीं है कि वैल्यू माइनस में चली गई नेगेटिव से मुराद ये है कि डायरेक्शन उसकी बिल्कुल 180 पे वो चेंज हो गई है या उस पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गई है सो so इसी वजह से हम कहते हैं कि वाई को हम पॉजिटिव ऊपर के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और नीचे के लिए नेगेटिव लेंगे या सम कंडीशन या सम टाइम ये भी हो सकता है कि डाउन के लिए हम पॉजिटिव वाई पॉजिटिव रखें और अप के लिए हम पॉजिटिव को नेगेटिव रख लें जो so, इक्वेशन uh, हमारे पास है जी पॉजिटिव और डी की वैल्यू ये हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगी कि हम पॉजिटिव साइन यूटिलाइज करें या नेगेटिव साइन यूटिलाइज करें डायरेक्शन ऑफ यू लास्ट इंसेशन फ्री फॉल शुड ऑलवेज हैेशन ऑब्जेक्ट कैन फ्री फॉल

और उसके बाद फिर ये नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देती है मतलब कोई सभी आप जो आप ऊपर फेंकते हो तो एक हाइट पे जाके वो रुक जाती है और फिर उसके बाद वो नीचे गिरने लगती है सो so, यहाँ पर जो एक्सेलरेशन हम लेते हैं एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज जी वो हमेशा क्या होती है इस डायरेक्टेड डाउनवर्ड मतलब वो हमेशा आ, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डाउनवर्ड्स होती है और जो हमारे पास फर्स्ट हाफ ऑफ द फ्लाइट है उसमें क्या है उसमें मतलब हमारे पास है, है? है। वो वो क्या होती है? वो velocities upward होती अपोजिट डायरेक्शन जो है प्लाइट जो है जिसमें बाड़ी ऊपर जा रही हो ठीक है तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो वेलास्टी है और एक्सलरेशन है ये दोनों के दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है क्योंकि बाड़ी जितनी ऊपर जाएगी तो आपने देखा होगा कि उस वो क्या होगी जितनी बाड़ी ऊपर की तरफ जाएगी उतना ही उसकी जो स्पीड है वो विलास्टी कम से कम होती जाएगी यहाँ तक के फाइनल पोजिशन पे पहुंच कर वो विलास्टी बिल्कुल जीरो हो जाती है तो मतलब बाड़ी डिसल कर रही होती है तो बिलास्टी ऊपर की तरफ है एक्सलरेशन इज डाउनवर्ड लेकिन अगले जब बारी नीचे आ रही हो तो उस कंडीशन में दोनों की जो आ, आ, मतलब है डायरेक्शन है दैट विल बी द सेम सो यहाँ पर वी शुड हैव टू नॉट वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशंस आर नॉट नेसेसरी एंड द सेम डायरेक्शंस ये बात पहले भी हमने नोट की हुई है सो इक्वेशन फॉर द बॉडीज इन फ्री फॉल जब फ्री फॉल कंडीशन हो तो उसमें हम जो इक्वेशन ऑफ मोशंस है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ठीक है थीके? मतलब हम ये ज्यूम कर तो यहाँ पर क्या है uh, हम वाई को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये जो इक्वेशन है ऊपर जाते वक्त हम कहते हैं कि जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है ठीक है मतलब बाड़ी अपवर्ड जा रही है तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है जो हमारे पास चार इक्वेशन ऑफ मोशन है

फ्राम ए टावर जिसकी हाइड है सेवनटी मीटर सो हाउ फॉलन टाइम टू वन सेकेंड टी टू इज सेकेंड मतलब क्या है कि हमें ए, ए ये कहा गया है कि एक बॉल है ऊपर से वो उसको पेंका जा रहा है इनिशिय लास्ट इसकी जीरो है और जो हाइट है टावर की वो है सेवनटी मीटर अब हमें बताया गया है कि टाइम में आप ये, करें कि ये जो बॉल है ये कितनी दूर जाकर गिरेगी ठीक है हाउल इट है अब यहाँ पर यह है कि यू हैव टू नोट दैट वाई इज पॉजिटिव डाउनवर्ड हमें आ, वाई हमारे पास क्या है वाई हमारे पास आ, वो पॉजिटिव मतलब है तो यहाँ पर देखे कि सिंपली हमने इक्वेशंस को यूटिलाइज करना है वी हैव टू द इक्वेशंस दैट इज वी इज इक्वल टू जी टी जिस तरह हमारे पास पहले केस में हमने कहा था यहाँ पर आ, इस इक्वेशन में ये हमारे पास वेलोसिटी के लिए इक्वेशन है लेकिन यहाँ पर हमने कहा था कि टाइम हमारे पास जो वी नॉट की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पर वी नॉट की वैल्यू जीरो पुट करोगे इसको यूटिलाइज करते हैं कि हमारे पास जो ये इस तरह मॉडिफाई हो जाएगी विनाड की वैल्यू जीरो है यहाँ पर विनॉर्ड की वैल्यू हम जीरो कर रहे हैं सो वी गेट देशन ऑफ मोशन लाइक दिसन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क सो so, आप वैल्यूज़ को यूटिलाइज करें तो इसी से आप देखें कि जो फर्स्ट केस है फर्स्ट केस में हमारे पास वेलोसिटी है कि आप वेलोसिटी को फाइंड आउट करें सो इनिशियल कंडीशन में जो वेलोसिटी होगा टाइम हमारे पास वन सेकेंड है ठीक तो, है, है तो वन सेकेंड है जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट है तो वैल्यू हमारे पास निकल आएगी नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड ये फर्स्ट वेलोसिटी हो गई दूसरी वे लास्ट ही हमारे पास है आ, कि टाइम टी दैट इज इक्वल टू हाउ मच दैट इज इक्वल टू टू सेकेंड तो जो वे लास्ट ही होगी दैट विल बी इक्वल टू टू पॉइंट नाइन पॉइंट एट मल्टीप्लाई बाई टू दैट इज इक्वल टू नाइनटीन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड सिमिलरली जो तीसरी कंडीशंस है तीसरी कंडीशन में uh, मतलब जो टाइम है दैट इज थ्री सेकेंड्स यू सिंपली मल्टीप्लाई Uh, the value of g by 3 so you get uh, v3 is equal to 29.4 uh, meter per second acha ab yahan par hai ke uh, thrown uh, down from a tower ke baali ko hum niche ki taraf wo phenk rahe so a ball is thrown downward with an initial velocity of v0 equal to 3 meter per second so instead of being dropped uh, what are its position and speed after uh, time t1 is equal to 1 second Uh, and time to uh, t2 is equal to two seconds. Compare with the uh, drop ball. देखे कंडीशन चेंज कर दी है थ्री मीटर पर सेकेंड अब हमने ये देखना है कि इंस्टेड ऑफ बींग ड्राफ वट आर पोजिशन एंड स्पीड इसकी position और स्पीड क्या है कि बाल को ड्रॉप करने के अलावा क्या किया है कि बाल को एक थ्रो के साथ नीचे दिया गया है बाल को वैसे नहीं छोड़ा गया इनिशियल कंडीशन में थे कि बाल को एक खास ऊंचाई से नीचे छोड़ दिया गया था अब इस कंडीशन में कि बाल को थ्रो किया गया है ऊपर से और वो थ्रो किस वी से थ्री मीटर पर सेकेंड से इसको थ्रो किया गया है तो हमने क्या करना है कि इस पोजिशन और स्पीड को फाइंड आउट करना है टाइम इंटरवल के साथ

So, आपके आपके पास पास क्या है 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 पोजीशंस पोजीशंस और जो है, speed, जो स्पीड स्पीड व्हाट आर द एंड वो वो उसकी वैल्यू निकल आएगी आपने इक्वेशंस को यूटिलाइज करना है अच्छा फिर हमारे पास कुछ और एग्जांपल एग्जांपल आपने इसको देखना है और इसमें क्या करना है कि कैलकुलेट so, uh, आपने कैलकुलेट क्या करना है मैक्सिमम हाइट ठीक है कि तक uh, ball कितना time लेता है यहाँ पर देखे बॉल को ऊपर है अब मैक्सिमम हाइट तक बॉल कितना टाइम लेता है फिर दूसरे केस में आपने कैलकुलेट uh, करना है द कि मैक्सिमम हाइट क्या है तीसरे सेक्शन पे आपने कैलकुलेट करना है

So you have the equations. Equation आपके पास है equations को आपने utilize करके, आपने values को निकालना है and then you have to फिर, आ, ये हमारे पास है कि एक और एग्जाम्पल है इसी एग्जाम्पल में अः आपने फिर इसमें प्रॉब्लम है कि स्टोन स्ट्रोन एट ए पॉइंट ए यहां पर एक देखे के आ, ये हमारे पास है यहाँ पर मतलब एक टावर है उसी टावर पे मुख्त है यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स वो दिए गए मुख्तलिशन के कोऑर्डिनेट्स के वो दिए गए हैं और ये इसकी जो तो टोटल हाइट है वो भी दी गई है तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इस From the top of a building with initial velocity of v naught that is equal to 19.2 meter per second straight upward. So the height is h that is equal to uh, uh, 49.8 meter and the stone just uh, misses the edge of the roof on its way down. ठीक है कि stone को बिल्कुल ऊपर पंखा गया है लेकिन जो है वो नीचे आ रही है वो ये जो edge है यहाँ पर ये जो edge है उसको uh, क्या करती है उसको Uh, मतलब बचा के नीचे गिरती है मतलब इसको टच नहीं करती इससे साइड पे ये नीचे की तरफ वो गिरती है जस्ट द द एज एज ऑफ ऑन इट्स वे डाउन एंड फिगर जिस तरह के ये फिगर में शो किया गया है सो आंसर दिस क्वेश्चन अब हमने इस इन क्वेश्चन का आंसर तलाश करना है या कैलकुलेट करना है सो कैलकुलेट द टाइम एट विच दीचे मैक्सिमम हाइट यहाँ पर देखिए ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं आपने क्या करना है जब इस पॉइंट से बाड़ी यहाँ तक पॉइंट बी तक आती है तो यहाँ तक आपने टाइम को कैलकुलेट करना है, यहाँ तक मैक्सिमम हाइट तक वो कितना यहाँ से यहाँ तक आपने मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करना है तीसरे केस में टाइम थ्रोड जिस लेवल से ये पॉइंट सी है इस पॉइंट सी तक मतलब है कि हमने क्या करना है हमने टाइम को कैलकुलेट करना है कि जब इसको इधर से फेंका गया और ये वापस इसी लोकेशन तक आती है तो टाइम हमारे पास क्या है यहाँ पर थोड़ा सा आप गौर करें बुक के अंदर ये क्लियरली मैंशन है ये कोऑर्डिनेट्स दी गए गए यू हैव टू यूटिलाइज दीज कोऑर्डिनेट्स और आपने क्या करना है आपने जब बाड़ी दोबारा इसी लेवल तक आए तो आपने इसके टाइम को कैलकुलेट करना है पॉइंट डी पे आपने क्या करना है कैलकुलेट

द बेस ऑफ द क्लिप तक पहुंचने के लिए आपने टाइम को कैलकुलेट करना है एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉल फिर दूसरी कंडीशंस में जो बॉल जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करती है आपने उसको कैलकुलेट करना है सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वाचिंग